सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोलॉजी हिंदी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, चाइना में दो फोन लॉन्च करने वाला है रियलमी, एक रियलमी एक्स और एक रियलमी एक्स यूथ एडिशन। और रियलमी एक्स लॉन्च होने वाला है, ये दो फोन ही लॉन्च होने वाला है 15 तारीख को। तो 15 तारीख को ये फोन लॉन्च होगा, इसके पहले हम लोग जान लेंगे इसका स्पेसिफिकेशन क्या है, इसका डिस्प्ले क्या है, इसका प्रोसेसर क्या आने वाला है, इसका बैटरी क्या आने वाला है, इसका कैमरा भी क्या आने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रसन्नजीत, आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी हिंदी। चलिए जान लेते इस फोन के बारे में टोटल डिटेल्स। दोस्तों, पहले बात करते हैं इसके डिस्प्ले को लेकर। इस फोन का डिस्प्ले बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि इस फोन में मिलेगा FHD+ एमोलेड डिस्प्ले। यानी कि हम लोग पहले क्या देखते थे, रियलमी के ज़्यादातर फ़ोन आए हैं FHD+ IPS LCD डिस्प्ले आ रहा था, अभी क्या आ रहा है, एमोलेड डिस्प्ले आ रहा है। एमोलेड डिस्प्ले होने का कारण एक है, क्योंकि इस फोन में जो फिंगरप्रिंट मिलेगा, एक फिंगरप्रिंट्स रहेगा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट्स, इसीलिए इस फोन में एमोलेड डिस्प्ले हम लोग देख सकते हैं। इस फोन में कोई भी नॉच नहीं दिखाई देगा। इस फोन का जो डिस्प्ले होगा, डिस्प्ले का पिक्सल डेंसिटी होगा 396, यानी कि अच्छे पिक्सल डेंसिटी के साथ ये फोन आएगा। और एक चीज़ है, इस फोन के स्क्रीन टू बॉडी रेशो क्या होगा, ये बहुत ही कम बेजल्स के साथ आएगा। इसके स्क्रीन टू बॉडी रेशो होगा कुछ 91.2%, यानी कि बहुत ही अच्छा डिस्प्ले इस फोन का हमको देखने को मिलेगा, यानी कि डिस्प्ले के तरफ से बहुत ही अच्छा होगा रियलमी। इसके बाद आ जाते हैं इसके प्रोसेसर को लेकर, इसके प्रोसेसर क्या होगा। इसके प्रोसेसर ज़्यादातर यूट्यूब में आप देखोगे, इसके प्रोसेसर बोल रहा है 730 प्रोसेसर आएगा, कोई बोल रहा है 730G प्रोसेसर आएगा, ऐसा कुछ नहीं आएगा। गीगबेंच में ऑलरेडी लिस्ट हो गया है, और गीगबेंच के हिसाब से इस फोन में जो प्रोसेसर आएगा वो आएगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 710। 710 प्रोसेसर एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है। ये प्रोसेसर हमको देखने को मिलेगा रियलमी एक्स में। और रियलमी एक्स में जो GPU मिलेगा वो मिलेगा एड्रेनो 616 GPU, यानी कि गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। ये जो प्रोसेसर इस फोन में मिलेगा, ये एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। इसका पहले का दो कोर है 2.2 GHz क्लॉक स्पीड में, और बाकी जो 6 कोर है वो रहेगा 1.7 GHz क्लॉक स्पीड में, यानी कि क्लॉक स्पीड भी इस फोन में बहुत ही अच्छा दिखने को मिलेगा। और इस फोन में जो प्रोसेसर अच्छा होने के लिए परफॉर्मेंस भी हम बहुत अच्छा। अभी आते हैं इस फोन के रैम वेरिएंट में, कितना रैम इसमें मिलेगा। गीकबेंच में ऑलरेडी 8GB रैम का एक लिस्ट हो गया है, तो इसमें तीनों चीज़ दिखाई देगा, यानी कि तीन रैम वेरिएंट दिखाई देगा। एक आएगा 4GB 64GB, एक आएगा 6GB 64GB, और एक आएगा 8GB 128GB। और इसका प्राइस भी बहुत ही अच्छा होगा, जो 4GB 64GB आएगा वो कुछ 16,000 से शुरू होगा, और 64GB और 6GB रैम 64GB रोम जो आएगा वो कुछ 18,000 में आएगा, और 8GB रैम और 128GB रोम जो आएगा वो कुछ 20,000 में आएगा। यानी कि दाम के हिसाब से भी बहुत ही अच्छा होगा, और स्पेसिफिकेशन भी बहुत ही अच्छा होगा। अभी आ जाते हैं इसके कैमरे की तरफ, इसका कैमरा क्या होगा। इसका जो रियर कैमरा होगा उसमें दो कैमरा रहेगा, एक रहेगा 40 MP के सोनी के सेंसर रहेगा, और जो प्राइमरी सेंसर है, और एक रहेगा 5 MP जो डेप्थ सेंसिंग के लिए होगा। रियलमी का कैमरा अच्छा होता है, बहुत ख़राब नहीं होता है या बहुत बेकार भी नहीं होता है, ठीक ठाक होता है, और उसका ऑप्टिमाइजेशन भी बहुत ही अच्छा करता है। इसलिए हमको भी लगता है और सबको लगता है ये फ़ोन का जो कैमरा होगा, रियर कैमरा, वो अच्छा ही होगा। और इसके जो फ्रंट कैमरा आएगा, फ्रंट कैमरा इधर एक चीज़ देखने को मिलेगा, वो है पॉपअप सेल्फी कैमरा। 16,000 रुपया में पॉपअप सेल्फी कैमरा जब भी आ रहा है इस फोन में, तो ये फ़ोन एक अलग से फीलिंग भी लाएगा। फ्लैगशिप लेवल की मॉडल हमको दे रहे हैं 16,000 में, ये एक अच्छी बात है, क्योंकि इस फोन का प्रोसेसर भी अच्छा है, इसका डिस्प्ले भी बहुत अच्छा है, और इसका जो कैमरा भी बहुत ही अच्छा होने वाला है। अभी आ जाते हैं इस फोन के बैटरी को लेकर, इसका बैटरी क्या होगा, क्योंकि हर एक फ़ोन के बैटरी एक ऐसा चीज़ होता है जिसके कारण फ़ोन इस्तेमाल करने के लिए भी बहुत ही मज़ा आता है। तो इस फ़ोन में कुछ मिलेगा 3700 mAh की बैटरी, यानी कि अच्छा बैटरी मिलेगा, और इसके साथ मिलेगा फास्ट चार्जिंग, बुक चार्जिंग मिलेगा 3.0, यानी कि बहुत ही जल्दी आपके बैटरी को चार्ज कर सकते हो। मतलब 3700 mAh बैटरी दे रहा है,
और इसके साथ फास्ट चार्जिंग भी मिल रहा है। ये एक चीज़ अच्छी बात है जो हम लोग देखे थे Realme 3 Pro में, उसका बुक चार्जिंग 3.0 मिल रहा था, इस फ़ोन में भी आएगा, वो भी आउट ऑफ बॉक्स, जो हम लोग Redmi में नहीं देख पाते। Redmi तो देता है फास्ट चार्जिंग के ऑप्शन, मगर उसके लिए जो चार्जर चाहिए उसके लिए अलग से परचेस करना पड़ता है। मगर Realme क्या करते हैं, उसका फास्ट चार्जर उसके साथ ही दे देता है। यह Realme के चीज़ एक अच्छी चीज़ है, जिस कारण Realme 2019 आते आते Redmi के बहुत ही ज़्यादा मार्केट ले लिया है। और एक चीज़ है, Realme 3 Redmi Note 7 से भी ज़्यादा बिक गया है, ये भी एक खबर आ गया है, इसके बारे में हम लोग आपको टेक न्यूज़ में बता देंगे। तो ये चीज़ें और ऐसा ऐसा फैसिलिटी आपको Realme X में मिलेगा, और इसमें आउट ऑफ बॉक्स Android 9 आने वाला है, मगर कुछ कुछ रूमर्स आ रहा है कि इसमें क्यू अपडेट भी आ सकता है। अभी देखेंगे Android 9 आए या Android क्यू आएगा। अगर क्यू आएगा तो बहुत ही अच्छा है, 9 से अभी तो ज़्यादातर फ़ोन में 9 आ ही गया है, अभी क्यू आने वाला है, और क्यू अगर इस फ़ोन में दे दिया तो बहुत ही अच्छा है। अभी देखेंगे इस फ़ोन में क्या देगा। यानी कि टोटल अगर पैकेज देखे, इस फ़ोन के डिज़ाइन देखे, इसका कैमरा देखे, डिस्प्ले देखे, तो सब के सब बहुत ही सही होगा। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो दे रहा है वो है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट्स, और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट्स आपको जो मिलेगा वो काम करेगा कुछ डिस्प्ले का 42 से लेकर 45% तक जगह में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट्स काम करेगा। यानी कि आपके उंगली सही जगह पे नहीं पड़े तो कोई बात नहीं, अगर इधर उधर कुछ भी हो जाए तो भी डिस्प्ले ऑन हो जाएगा और आपके फ़ोन के लॉक भी खुल जाएगा, ये भी चीज़ अच्छा है। तो फिलहाल आज तो 14 तारीख है, कल 15 तारीख आएगा, कल इस फ़ोन के बारे में हम लोग सब कुछ देखेंगे और जो जो हम लोग जानते हैं आपको बताएं, और भी कुछ उसका लॉन्च इवेंट में आएगा जो चीज़ हम लोगों को नहीं पता है तो वो भी हम देख लेंगे, और चाइना में जब लॉन्च होगा उससे कुछ एक हफ्ता या दो हफ्ते के अंदर ही इंडिया जो जो फ़ोन लेने वाले हो कुछ 16 या 17 हज़ार में या 18 हज़ार में लेने वाले हो, वो लोग रुक जाओ, इस फ़ोन को लॉन्च होने दो और एक ही दो हफ्ता है, वेट कर लो, वेट करने के बाद ये फ़ोन लो, क्योंकि इस फ़ोन का डिस्प्ले अच्छा है, इसका कैमरा भी अच्छा है, इसका प्रोसेसर भी अच्छा है, और एक डिज़ाइन जो होता है वो भी बहुत अच्छा डिज़ाइन के साथ आ रहा है, और फ्लैगशिप लेवल का डिज़ाइन जो मिल रहा है ये सबसे बड़ी बात है। तो दोस्तों फिलहाल आज के लिए इतना ही, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करके रखो, क्योंकि जब भी हम लोग कोई भी नया वीडियो अपलोड करें तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।